मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र हूँ, मोक्षदायक मैं हूँ और मैं ही अंतर्द्वंद हूँ। मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र हूँ। मैं धर्म हूँ, संन्यास हूँ, तोड़ता हर झूठी आस हूँ। मैं धर्म हूँ, संन्यास हूँ, तोड़ता हर झूठी आस हूँ। अध्यात्म का शिखर हूँ मैं और मैं ही मन का त्रास हूँ। मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र हूँ। जिसने जीता मन को, मैं अचानक उसे सब कुछ देता हूँ। जिसने जीता मन को, मैं अचानक उसको सब कुछ देता हूँ। और जो दौड़ा इंद्रियों के पीछे, उसको मैं पागल कर देता हूँ। मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र। ये कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने ताकि केतु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। राहु और केतु का मेजर ट्रांसिट 30 अक्टूबर को हो रहा है और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहने वाला है। अब केतु का, क्योंकि राहु पर तो हमने काफी लंबी चर्चा की है आपकी राशि को लेकर के, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देखे। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु का जो ये ग्रह गोचर है, ये आपकी कुंडली में आपको क्या परिणाम देगा? क्या अब तक केतु ने जो आपसे छीन लिया है वो आपको इस बार लौटाने आए हैं? इसी बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और फिर इसमें बना दिए राहु केतु, जो हर समय लोगों को परेशान ही करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। ये आपकी कुंडली में बैठते ही उस जगह है जहां पर आपको बहुत मोह है, और इस मोह को तोड़ने का नाम ही है केतु। अब तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टा यूनिवर्स की बात कर रहा है। यानी कि ब्रह्मांड में, अगर ये ब्रह्मांड है, इसमें आप हो, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप वहां पर भी हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये टॉपिक है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन बस इतना समझ लो कि ये जो तुम जीवन जी रहे हो, ये एक सपना है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये सब एक सपना है, माया है। और इस माया को तोड़ने का काम करते हैं केतु। केतु ही वो पावर है जो आपको रियलाइजेशन कराते हैं, उस सपने को तोड़ते हैं। उठो, जगो, यही तुम नहीं हो बंदे, इसके आगे भी तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ था और आगे भी बहुत कुछ रहेगा। वो रियलाइजेशन का नाम है केतु। 30 अक्टूबर को केतु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं, और परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि से कन्या राशि में, और 18 महीनों के लिए रहेंगे। 18 मई 2025 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। अब आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए जानते हैं। इस राशिफल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि ये जो ग्रह गोचर है, ये कहाँ कहाँ, इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, केतु आपको क्या परिणाम देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है, उसमें मैं आपको आभास से, यानी जो इंट्यूशन मुझे आती है, उसके माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव इसका होने वाला है, और अगर कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए है वो आपको जरूर बताऊंगी। कर्क राशि वालों, आपका जो केतु का जो परिवर्तन हो रहा है, वो हो रहा है तुला राशि में से, जहां आपके वो आपके घर के स्थान पे आपके चौथे घर में थे, वहां से परिवर्तन हो करके वो आपके तीसरे घर में जा रहे हैं। यानी कि जो आपका शौर्य का घर है, आपकी कम्युनिकेशंस का घर है, जो आपको हिम्मत देता है, जो कॉन्फिडेंस देता है, वहां जाएंगे। अगर केतु वहां पर आपके अच्छे कुंडली में ऑलरेडी बैठे हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि केतु जो है वो मंगल के समान होते हैं, कुजा समान है, तो मंगल की तरह ही वो आपको वहां कॉन्फिडेंस देंगे। और ये मंगल का खुद का अपना घर माना जाता है, जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें, तो केतु आके यहाँ पे अच्छा परिणाम देते हैं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, आपका बहुत सारी चीजों को करने का मन करेगा, कम्युनिकेशन आपकी बहुत शार्प हो जाएगी, आप अपने आप को काफी स्ट्रांगली पुट अप कर सकेंगे, आपकी जो बात है काफी सारे लोगों के बीच में आप रख सकते हैं अच्छे से, कॉन्फिडेंस ये दिखाई दे रहा है।
ये इनकी जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पे बढ़ेगी। भाग्य स्थान पे केतु की दृष्टि पड़ना अच्छा है, भाग्य आपको इस समय में काफी कुछ दे सकता है। एक दृष्टि पड़ रही है उनके आपके धन के स्थान पे, धन के स्थान पे वृषभ राशि में क्योंकि ये पड़ रही है तो बीच बीच में थोड़ा सा इनकम पे आपका जो है आती तो रहेगी इनकम, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन उससे खिन होगा, आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि सिर्फ मैं चीजों को जोड़ रहा हूँ और बहुत सारी चीजों को हम इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा है। तो वो मन ना लगने की स्थिति ऐसे में आपके साथ हो सकती है। एक दृष्टि और उनकी पड़ रही है वो आपके सप्तम स्थान पे पड़ रही है, तो जिन लोगों का विवाह ऑलरेडी अच्छा नहीं चल रहा है तो वहां थोड़ा सा आपको खटपट और बढ़ा सकते हैं केतु। लेकिन जो लोग मुक्त होना चाहते हैं, रिश्ते में से निकलना चाहते हैं, उनके लिए केतु बहुत बढ़िया है, आपको मुक्त कर जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति परेशान चल रहे हैं तो हमसे हमारी सिद्ध दरबार दिल्ली में आकर के मुलाकात करें, बिल्कुल निशुल्क हम ये सेवा करते हैं। आपको उपाय भी निशुल्क दूंगी, नारियल सिद्ध करके दूंगी, जो भी अब तक मैंने शक्ति पाई है, सिद्धि पाई है, उससे तुम्हें बताऊंगी भी, परामर्श भी दूंगी कि क्या करना है जीवन में, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, और साथ साथ उसे टालने के लिए, तुम्हारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए निःशुल्क आपको उपाय भी करके दूंगी। केवल एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आए और हमारे शनि देव जी की कृपा साथ ले जाए। केतु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, अंत में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और बड़ा सिंपल है, कोई खर्चा भी नहीं है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। कर्क राशि वालों, आपके जैसे ही मैं एनर्जी में टैप इन हो रही हूँ, जैसे इंट्यूशन लेके आ रही हूँ, तो अगले 1.5 साल में मुझे लोग 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 यही दिखाई दे रहे हैं हर तरफ से। जैसे लोगों के बीच में आप पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, नए नए आपको ऑफर आ रहे हैं, नए नए लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बहुत पॉपुलर होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपने काम में पॉपुलर होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारी में पॉपुलर होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लड़कियों के जैसे शादी होगी तो वहां अपने ससुराल में वो पॉपुलर होती दिखाई दे रही है, हर रिश्तेदार आपके बारे में पूछेगा, जानेगा, खुश होगा, ऐसी कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां कस्टमर्स की कमी हो रही है या फिर आपको अच्छा रिव्यू कस्टमर्स नहीं देते हैं, कस्टमर्स का रेफरल आपको अच्छा नहीं आ रहा है, या आपको सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब चैनल है आपका या इंस्टाग्राम का चैनल है या और कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे चैनल है, तो वहाँ काफ़ी सारी पब्लिक, इन 1.5 सालों में कुछ ऐसा आप करोगे, कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, कोई नया कोलैब भी आ सकता है या कोई नया आइडिया आ सकता है जिसके वजह से लोग आपसे जुड़ेंगे और लोग काफ़ी सारी अमाउंट में आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें लेके जाएंगी। लेकिन एक वार्निंग भी है साथ में, आपको घमंड नहीं करना है, ये आपने कृपा रखनी है क्योंकि ये केतु जी महाराज आपको टेस्ट करेंगे कि इस बार देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, यही टेस्ट में आपने पास होना है, घमंड नहीं करना है। जो हो रहा है वो उसकी कृपा से हो रहा है, वो चाह रहा है इसीलिए तो हो रहा है, तो आपने उसमें नाहक बीच में अपने आप को क्यों लेके आना है। उसने आपकी पर कृपा करी, आपके गुरुदेव ने आप पे कृपा करी, संतों ने कृपा करी, तो उनके गुणगान गाओ, अपने मत गाओ, क्योंकि अगर घमंड आ गया बीच में तो सब कुछ फिर से वापस क्रम्पल होने लगेगा, खराब होने लगेगा, वहां थोड़ा सा ध्यान करो, वरना समय बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़े चैलेंजेस बीच में आएंगे लेकिन लाइफ चैलेंजेस से बनी हुई है, उन चैलेंजेस को आप प्रॉपरली ओवरकम कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। मन की बात करें तो कुछ स्पेशल चीज़ें मुझे होती दिखाई दे रही हैं कि अचानक से कोई बिल्कुल आपको विचार आ जाना, कुछ स्पेशल बात आपको पता चल जाना जिसकी वजह से चीज़ें बिल्कुल आपके लिए बदल जाएंगी, समथिंग डिफरेंट, कुछ जिस तरह से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो उसमें काफ़ी बड़ा शिफ्ट, एक मेंटल शिफ्ट मुझे दिख रहा है। उस मेंटल शिफ्ट की वजह से कुछ लोग जैसे उनका सोने का पैटर्न भी चेंज होता मुझे दिखाई दे रहा है, उस चेंज की वजह से, आपका मेंटल शिफ्ट चेंज की वजह से भी काफ़ी आपको प्रोग्रेस इस 1.5 सालों में मिलेगी। कुछ लोगों के लिए नया जो रोमांटिक लव है वो भी आता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ अगेन वार्निंग है कि आपको वहाँ पे प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर आप भटक जाओगे कि ये तो चलो जी अब काम तो हमारा सेट हो गया है, बहुत लोग आ रहे हैं, पैसा वैसा आ रहा है, तो अब चलो रोमांटिकली हम अपनी लाइफ को सेट करें, ऐसा नहीं होगा, बैलेंस करना पड़ेगा, प्लान आउट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, वरना समय आपका बहुत अच्छा है। मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। फोन में यूट्यूब देख रहा था एक लड़का मेरे साथ, मैंने उस ट्यूब में का मेरे को भी दिखा भाई, मैंने उस ट्यूब में देखा तो गुरु माँ की तस्वीर दिखाई थी, तो जो कह रही थी कि हमारे यहाँ वीरवार को
फ्री दरबार लगता है, और ये जो वीरवार गया पीछे इसी वीरवार को मैं गुरु मार्ग चरणों में आ गया, आज मेरा दूसरा हुआ है। और यहाँ से जाने के बाद पहली बार में मेरा शरीर भी ठीक हो गया और मेरा काम भी खुल गया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कभी दिवाली या होली पे भूखा मरता था, लेकिन आज जो खुशी महसूस करता हूँ मैंने कभी नहीं की। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहां भी जाते हैं वो मोह को तोड़ते हैं, मोह भंग करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष जगह बैठे तो आपका मोह उस स्थान से बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने वो इस जन्म में आपके पास आए हैं। उपाय बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज का मोह करना छोड़ दो। खासकर अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा हूं या होने लगी हूं, उस चीज का त्याग करने को चाहे मन ही मन, कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, मन से उससे डिटैच हो जाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। अपने अटैचमेंट को, यानी अटैचमेंट मतलब आपका सुख दुख उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है। अगर बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं या आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आपको वहां से दुख होगा। ये मोह है। आप अपना कर्तव्य करो, बस उसमें से जो बीच का अटैचमेंट है, जो मोह है, उसको निकाल दो, तो आपका सुख दुख बच्चे नहीं रहे, आपका सुख दुख आप स्वयं हो, आपके प्रभु हैं, आपके कर्म हैं। तो इसीलिए वहां से हट जाने से आपका केतु ठीक हो जाएगा अगर पंचम में बैठा है। इसी प्रकार से जहां भी बैठा है बस यही संकेत कर रहा है कि आपको उस स्थान से बहुत मोह था पिछले जन्म में या इस जन्म में मोह में आप पड़ रहे हो, उसको छोड़ना सीख दो, उसको डिटैच उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस जगह से होना सीख जाओ। केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। साथ में संतों की वाणी हमेशा सुनते रहे। केतु जो है वो हमेशा ही धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म ध्वजा उनके हाथ में होती है। शून्य की स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति केतु ही देते हैं। अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, संतों की वाणी सुनो, स्वयं भीतर से खुश रहना है, अच्छा रहना है, लाइफ आपकी आपको सेटिस्फाइंग लगे, संतों की वाणी सुनना शुरू करो, उनका आशीर्वाद लो, केतु बहुत प्रसन्न होंगे, आपको किसी प्रकार के मोह में फंसने ही नहीं देंगे। और इमोशंस में बहना छोड़ दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इमोशन आता है, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का, या बहुत ज़्यादा प्रेम भी, ये भी खतरनाक होता है, उसको छोड़ो। अपने आप को एक बैलेंस में लेकर के आओ। जहाँ भी, जिस भी चीज़ पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो, उसी समय उसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो, कि तो आपके स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।